शहंशाह, आज आपने मीना बाजार में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रुकैया बेगम आपकी पहली पत्नी है, आपके बचपन की दोस्त है, इस बात ही सबके सामने उन्हें डांटना उचित नहीं था। जानते हैं उन्हें कितना दुख पहुंचा है? रुकैया बेगम कोई आम बेगम नहीं है, आपकी खास बेगम है। बचपन से आपके साथ आपकी परछाई बनकर रही है और आप इस बात ही उनके साथ। तुम होती कौन हो मैं समझाने वाली? हिंदुस्तान के शहंशाह हैं हम, जो चाहे कर सकते हैं, और तुम सिर्फ तब तक बेगम हो जब तक हम चाहें। हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, हम पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना, समझी? शहंशाह हमारी बात समझ। तो रोटो हमसे, कितनी बार कहा है तुम्हें कि हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें, समझ नहीं आता तुझे? चली जा, तू दूर चली जा। ये शहंशाह को हो क्या क्या है? कहीं वो बुढ़ी माँ सही तो नहीं कह रही थी? इस तरह का लिबास पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तहजीब कहाँ गई तुम्हारी? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं वो बूढ़ी महिला ठीक तो नहीं कह रही थी? और मैं उस आदमी को जानती हूँ जो शहंशाह की मदद कर सकता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो, उसका नाम है योगी उदयनाथ। वो काली मंदिर के पीछे वाली गुफा में रहता है। शहंशाह, अब आप विश्राम कीजिए। अब आप कहाँ जा रही हैं? जो दवाई आप पी रही हैं हमारे पास, दवा से ज्यादा आपके साथ से हम बेहतर महसूस करते हैं। एक बार उस तांत्रिक से मिलने जाना ही होगा हमें। हमें काली माँ के मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। आप विश्राम कीजिए, हम शीघ्र लौट आएंगे। ठीक है। कैसे बताएं शहंशाह को कि हमें उस योगी से मिलने जाना है? यदि इन्हें पता लगेगा तो हमें किसी हाल में नहीं जाने देंगे। शहंशाह, ये आप मत सोचिए कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। बैठिए। कहाँ बैठे? यहाँ इस आसन पे। परंतु यहाँ तो कोई आसन है ही नहीं। वही तो है। हर चीज जो दिखती है आवश्यक नहीं है कि वो हो, और हर चीज जो नहीं दिखती है उसका अस्तित्व भी संभव है। खैर छोड़िए, बड़ी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। ये लीजिए, फल लीजिए। ना समझ लीजिए, यदि वो सचमुच यही है तो आप और आपके पति गहन संकट में हैं। बहुत बहुत खतरनाक है वो, न जाने कैसे आपके पति के पीछे लग गई और उनके पीछे पीछे यहां तक चली आई, और अब वो आपके पति को इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली है। उसे कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि उसके लक्षण विचित्र होते हैं। ये बताइए, कोई नया आया इंद्रु महल में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, अभी अभी हमारी बहन लीला आई है। बस तुम्हारी बहन है? बस, अब एक शब्द और नहीं,
आपने हमारी बहन लीला को डायन कहने का दुस्साहस कैसे किया? शांत, मैं लिखा है हिंद, शांत। ये मैं नहीं, मेरा तोता जोतक कह रहा है। आपको नहीं माननी तो मत मानिए, परंतु क्रोध मत कीजिए। वैसे चल कह रहा है आजकल महल में ये पता करने का तरीका है, घर जाइए और बात पकाइए, उसमें ये विशेष मसाला मिलाइए। और इसे बड़े प्रेम से शहंशाह को खिलाइए। जाओ उससे कहो मेरे लिए भी भात पकाए, दो दिन से भूखा हूं मैं। तो कहां थे हम? ये बात आपको शहंशाह को खिलाना है, और अगर खाते ही उन्हें कह हो जाती है तो वो किसी डैन के काले जादू के शिकार। जिसने ये जादू किया है वो महल में ही हो सकता है। हो सकता है वो आपकी बहन ही हो। यदि आपको विश्वास होता है तो अपनी बहन की कोई वस्तु यहां लेती आइए। अब व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, हमें यहां पर आने ही नहीं चाहिए था। मेरी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। यदि आपकी बहन वही है तो सावधान, आप लोग बहुत संकट में आने वाले हैं।